नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या के प्राचीन नागेश्वर नाथ मंदिर और क्षीरेश्वर नाथ मंदिर पर भक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त में पुण्य सलीला सरयू में स्नान के साथ सरयू तट के किनारे स्थित पौराणिक नागेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर कतारबद्ध होकर शिव भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूजन कर रहे हैं। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में आज जय श्री राम के साथ भगवान भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे हैं, क्योंकि जहां एक तरफ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसका दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला का दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं आज महाशिवरात्रि पर शिव भक्त भी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं। सरयू में स्नान कर अयोध्या के प्राचीन मंदिर नागेश्वर नाथ में भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर रहे हैं। इस दौरान भोलेनाथ किनारे भी लगा रहे हैं। नहीं, महाशिवरात्रि है। तीन रात्रियां प्रधान होती है, काल रात्रि और महारास की रात्रि और शिवरात्रि। तो ये फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी जो शिवरात्रि है, ये महाशिवरात्रि के नाम से है। और इस वर्ष की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज 11 तारीख है और भगवान शिव जो है 11वें रुद्र हैं। रुद्रों की संख्या 11 है, अब वो 11 हैं और आज तारीख ही 11 है। और शास्त्रों में कहा गया कि गुरुम शंकर रूपिणम, शिव जी जो है वो गुरु हैं तत्वतः, तो आज गुरुवार भी है, इसलिए ये मणि कांचन संयोग है। इसलिए इस वर्ष की शिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसीलिए शिवरात्रि मनाई जाती है कि आज ही के दिन समुद्र से जो जहर निकला था, भगवान शंकर ने उसे पान करके देवताओं को त्राण दिया था, रक्षा किया था। तो शिवरात्रि का मतलब शिव उपासक कौन है, जो समाज का जहर है उसको स्वयं पी करके समाज को अमृत का वितरण करे, अमृत पिलाए, सबको सुखी करे, वही शिव का उपासक है। तत्वतः वही शिव है। शिव क्या है? शरीर को तो शव कहते हैं, जिसके डेड बॉडी आप कहते हैं। इस शरीर में जो आत्म तत्व है, चेतनात्मा, संपूर्ण प्राणी जिससे प्राणवान हो रहा है, वही शिव है। तो ये शरीर जो है शव है, मुर्दा है, डेड बॉडी है। इस शव में आत्म तत्व का उपासक, चेतन तत्व का जो ज्ञाता है, वही सच्चा शिव उपासक है। तो प्रत्येक प्राणियों में आत्म तत्वतः जो शिव विद्यमान है, वो शिव रूप में मान करके उनकी उपासना, जो मनोकामना माना मांगा जाता है वो सब पूरा होता है। और यहाँ आज हम मांगे हैं हमारे बच्चे सब सुखी रहें और सब कुछ सब ठीक ठाक है, और यहाँ जन्मभूमि बन जाए और मंदिर बन जाए, हम लोग दर्शन करने पाए रोज, यही मनोकामना है। संसार की सुख शांति के लिए हम भगवान भोलेनाथ से कामना करने आए कि भगवान भोलेनाथ पूरे संसार को सुख शांति प्रदान करें, और अयोध्या में बन रहे उनके आराध्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भव्य और उच्च शिखर तक प्राप्त करें, इसी कामना के साथ हम।